दोस्तों ब्रेस्ट मिल्क हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो बेबी की ज़रूरत के हिसाब से, बेबी की एज के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्पीशीज स्पेसिफिक ही नहीं बल्कि बेबी स्पेसिफिक भी होता है। मतलब कि जो ह्यूमन मिल्क है वो ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमन मिल्क हर बेबी के लिए एक जैसा है। बेबी की मदर से उस वक्त जो मिल्क आ रहा है वो बेबी के लिए उस वक्त बेस्ट होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप के ब्रेस्ट मिल्क क्या हैं, किस किस एज पे बेबी की मदर से किस किस तरह का मिल्क आता है और बेबी को वो किस तरह से प्रमोट करता है, बेबी की हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया है कि बेबी को आप किस तरह से फीड कराएं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और बेबी का वेट गेन हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग की मेरी जो और वीडियोस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का जो मेथड है, ब्रेस्ट फीडिंग के जो एडवांटेज है, वो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रम की। जो पहले वाला सैंपल है वो कोलेस्ट्रम है और जो दूसरा वाला सैंपल है वो नॉर्मल मिल्क है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कलर का और जो कंसिस्टेंसी है उसका। कोलेस्ट्रम की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती है, गाढ़ा दूध होता है वो, और उसका जो कलर होता है वो पीला होता है। कोलेस्ट्रम शुरू के 3 से 5 दिन तक निकलता है और कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसमें एक खास प्रोटीन होती है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी में होते हैं और डिफरेंट टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो पैथोजन हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट हैं, उन सब से ये लड़ता है, उन सब से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में होता है कि जब बेबी को मदर फीड कराती है शुरू के कुछ दिनों में, तो बेबी को एक तरह से सैकड़ों तरह के वैक्सीनेशन, सैकड़ों तरह के जो टीके हैं वो फ्री में बेबी को पहुंच जाते हैं और बेबी की जो बॉडी है वो इम्यून हो जाती है। बेबी की बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन हैं, डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन कराने वाले एजेंट हैं, उनसे लड़ने के लिए। इसके साथ साथ ये जो कोलेस्ट्रम है ये जो बेबी की आंतों में एक लेयर बना लेती है। आंतों में लेयर बनाने के बाद किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया जो आंतों में इन्फेक्शन कराते हैं वो आंतों पे हमला नहीं कर पाते और बच्चे को डायरिया और बच्चे को जो पेचिश, इन सब चीज़ों से बच्चा बचा रहता है। ये कोलेस्ट्रम बेबी की आंतों से जो सबसे पहले वाला काले रंग का जो पॉटी होती है उस पॉटी को बेबी की आंतों से निकालने में मदद करता है और बेबी की आंतों को साफ करता है और इस तरह से बेबी को जो जॉन्डिस है, पीलिया है, उन सब के खतरे से बेबी को बचाता है। अब आइए बात करते हैं ट्रांजिशन मिल्क की। ट्रांजिशन मिल्क कोलेस्ट्रम और मैच्योर मिल्क के बीच का होता है। इसका जो कंसिस्टेंसी है ये भी बीच की होती है, मतलब ये कोलेस्ट्रम से थोड़ा सा पतला होता है लेकिन जो मैच्योर मिल्क है उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। धीरे धीरे से जो बेबी का जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही होती है। ट्रांजिशन मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होने लगती है, फैट की मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा होने लगती है और बेबी को वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। बेबी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ये चेंज हो रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं मैच्योर मिल्क की। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो सबसे पहला वाला है वो कोलेस्ट्रम है और ये जो डे 5 और डे 6 पे जो मिल्क का सैंपल है ये ट्रांजिशन मिल्क है। ट्रांजिशन मिल्क के बाद आप ये डे 25 पे जो सैंपल है ये मैच्योर मिल्क है। आप डिफरेंस साफ देख सकते हैं, मिल्क की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे से पतली हो रही है, जो उसका कलर है वो धीरे धीरे से पीले से वाइट हो रहा है। मैच्योर मिल्क ट्रांजिशन मिल्क से और पतला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे और कम होती जाती है लेकिन इसमें एनर्जी की मात्रा यानी कि फैट और लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बच्चे को वेट गेन में मदद करता है और बच्चे की जो भूख है उसको शांत करता है। अब आइए बात करते हैं प्रीटर्म मिल्क की। प्रीटर्म मिल्क उन मदर्स में सिक्रीट होता है जिनकी डिलीवरी 7वें या 8वें महीने की प्रेगनेंसी में हो गया है, बच्चा भी उनका प्रीमेच्योर है। इन मदर्स को जो मिल्क निकलता है वो उन प्रीमेच्योर बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो फैट और जो लैक्टोज है, इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है क्योंकि इनकी जो किडनी होती है वो अभी बिल्कुल इमेच्योर होती है। इसी तरह से इसमें जो बाकी जो कंसिस्टेंसी, बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो इसका जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो सारे उस प्रीटर्म बच्चे के अकॉर्डिंग होते हैं।
इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम इन सब की मात्रा कम होती है ताकि किडनी पे कम से कम लोड पड़े। ये मिल्क का कंपोजिशन ऐसा होता है कि बीबी की जो आते हैं जो कि अभी इमेच्योर हैं वो आते हैं इसको बहुत आसानी से पचा सकें और उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अब आइए बात करते हैं फूड मिल्क की। जब ब्रेस्टफीड शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स तक जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे फूड मिल्क कहते हैं। ये मिल्क ब्रेस्ट टिश्यू के आगे की साइड से आता है। ये पतला होता है, पानी के जैसा होता है। इसमें प्रोटीन, लैक्टोज और विटामिंस, मिनरल्स ये सब इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। ये मिल्क मीठा होता है और वाटरी होने की वजह से ये बेबी की प्यास को बुझाता है। इसीलिए शुरू के 6 महीने तक मना किया जाता है कि बेबी को पानी अलग से नहीं पिलाना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से ही उसको एडिक्वेट मात्रा में जो वाटर चाहिए वो पूरा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हाइंड मिल्क की। हाइंड मिल्क वो होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद के टाइम पे जो निकल के आता है, यानी कि जो लास्ट के जो मिनट्स होते हैं उनमें जो मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क कहलाता है। इस पिक्चर में आप देखिए जो पहला सैंपल है वो फोर मिल्क है और जो दूसरा सैंपल है वो हाइंड मिल्क है। जो फोर मिल्क है वो आप देख सकते हैं कि वो पतला है, पानी जैसा है, और जो हाइंड मिल्क है वो गाढ़ा है। हाइंड मिल्क गाढ़ा होता है, इसमें फैट की और एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाइंड मिल्क ही बच्चे की भूख को मिटाता है और बच्चे की जो वेट गेन है, बच्चे को जो ग्रोथ है उसमें ये मदद करता है। इसीलिए जब भी आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं तो तब तक ब्रेस्ट फीड कराएं जब तक कि एक तरफ पूरी तरह से एम्प्टी ना हो जाए। अगर आप सिर्फ फोर मिल्क देंगे, यानी कि शुरू के कुछ टाइम तक बच्चों को एक तरफ फीड कराया, जैसे फोर मिल्क बच्चे ने ले लिया, दूसरी तरफ आपने फीड कराया, तो अगर बच्चों को सिर्फ फोर मिल्क देते रहे तो बच्चों को फोर मिल्क सिंड्रोम हो जाता है। फोर मिल्क सिंड्रोम में बच्चा आपका बार बार पॉटी करेगा, बच्चे का जो एनल एरिया है, जो लैट्रिन का जो रास्ता है, उसके आसपास रैशेस हो जाएंगे, जो खाल है वहाँ पे वो छिल जाएगी, बच्चा इरिटेबल रहेगा, बच्चा परेशान रहेगा। इसलिए बच्चों को पूरी तरह से एम्प्टी होने तक ही फीड कराएं और जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक बच्चों को दूसरे ब्रेस्ट से अटैच ना कराएं। अब आइए बात करते हैं ड्रिप मिल्क की। ड्रिप मिल्क कोई अलग टाइप का मिल्क नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है। जब मदर बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उस वक्त ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन जो ब्रेस्ट मिल्क की ग्लैंड है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों ब्रेस्ट पे एक साथ काम करता है, तो जिस ब्रेस्ट से बेबी फीड ले रहा है उस ब्रेस्ट से बेबी की सक करने से जो मिल्क है वो आ रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन से वो असिस्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरफ बेबी सक नहीं कर रहा है उस तरफ मिल्क ग्लैंड के ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से 2-3 ड्रॉप कुछ ड्रॉप वो निकल आती हैं। मदर्स घबरा जाती हैं कि इस तरफ से मिल्क क्यों निकल रहा है, ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। दोस्तों जो मैंने बातें बताई आपको वो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स, अपने जो डाउट्स हैं वो हमें आप कमेंट करके बताइए, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए आगे उस टॉपिक को आप हमें सजेस्ट करिए अपने कमेंट के ज़रिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं इंक्लूड करूँ। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।